आप देख रहे हैं UNT, मैं हूं रवि शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर। आपको बता दें कि यहां पर छात्रों और छात्राएं जो हैं वो लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय की बात करें तो अक्सर सुर्खियों में ये विश्वविद्यालय रहता है। तरह तरह के आरोप जो हैं वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर लगते हैं, और आज जिस तरह से मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी लगभग 10 या 15 मिनट पहले ये प्रदर्शन जो था वो शुरू हुआ था, और अभी भी यहाँ पर ये प्रदर्शन लगातार चलता हुआ, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो नेट सर्विसेज हैं वो पिछले कुछ समय से बंद कर दी गई हैं, जब से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उसके बाद की बात करें। और जो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है, जो फ़ी जम्मू यूनिवर्सिटी चार्ज करती है विद्यार्थियों से, वो फी वापस लौटाने की यहाँ पर मांग है। और गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो उसको लेकर कुछ मांगें जो हैं वो छात्रों की हैं। हालांकि अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर निकलकर ज़रूर आए हैं, और अभी बातचीत जो है वो छात्रों के साथ इस समय चल रही है। एक लंबा वार्तालाप जो है वो छात्र नेताओं के बीच और जो यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच एक लंबा वार्तालाप तो अभी फ़िलहाल चला है, लेकिन अभी कुछ भी निकल कर सामने जो है वो नहीं आया। और अभी भी लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर संख्या जो है वो छात्राओं की है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के लिए बने हॉस्टल को लेकर एक जो मांग है वो उठी थी, और उसी को लेकर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर इस समय चलता हुआ। और कुछ देर पहले की बात करें तो लगातार बातचीत जो है वो यहाँ पर चल रही थी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी कुछ भी जो है वो मामला नहीं सुलझा है। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो छात्र और छात्राएं हैं वो लगातार इस कार्यालय के बाहर जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बातचीत जो है वो यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उनके साथ चल रही थी, लेकिन एक लंबे वार्तालाप के बाद कुछ भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है, कुछ भी निकल कर अभी सामने जो है वो नहीं आया है। सर, जिस तरह से छात्र और छात्राएं जो हैं वो लगातार पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर प्रदर्शन जो हैं वो कर रहे हैं, तो क्या बातचीत अभी आपकी हुई है? आप उनके साथ बातचीत करने के लिए गए थे, मांगे जो थी वो इनकी क्या थी? मैं उनकी मांगों को यही बता रहा हूँ। कुछ उन्होंने मांगे जैसे वाईफाई के लिए कैंटीन की या कुछ और उनकी थी, एक तो ऑर्डर निकल गया उनका, वाईफाई जो है वो चल रहा है उसके लिए उनको लैपटॉप पे दिया गया है। बाकी कुछ ये मांगे हैं जो ये कह रहे हैं, मैं आज इनकी एक मांग थी कि कैंटीन जो है यूनिवर्सिटी में 24/7 खुलनी चाहिए, वो हमने पिछले दिनों कोशिश करके देखी थी और एक महीना पूरा उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास, उसमें जो कैंटीन खुलती है उसको यूज़ कोई नहीं करता, रोज़ के उसको 30 रुपये 20 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा कोई भी ऑन एवरेज उसका हुआ नहीं, फिर उसको यूज़ नहीं करी। फिर बच्चों को हमने कहा भी था कि अगर आपने शुरू करवाई है तो उसे यूज़ करिए, वो नहीं इन्होंने करी। दूसरा ये है कि ये कुछ वॉल ऑफ हीरोज़ रिफंड ऑफ ट्यूशन फ़ी उन क्लासेस की जो ऑपरेटिव नहीं है उनकी भी बात कर रहे हैं, तो इनके इश्यूज़ जो कुछ पहले थे मैंने एज ए डीन स्टूडेंट वेलफेयर रिजॉल्व करने का प्रयास किया भी था और करे भी थे, लेकिन ये रोज़ एक और नई डिमांड हो जाती है। जैसे कि आज ये हॉस्टल हमारे यहाँ एक बना था वो भी प्रॉपरली फर्निश नहीं हुआ है, तो बच्चे कह रहे हैं कि आज ही आप उसे खोल दीजिए, तो वो एक दिन में तो संभव नहीं है, जब तक वहाँ पूरी फर्निशिंग नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो हम बच्चियों को वहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से प्रयासरत हूँ कि उनसे कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, देखते हैं जल्दी से जल्दी अगर वहाँ फर्निशिंग हो जाती है, फैसिलिटी क्रिएट हो जाती है तो हम उसका भी। सर, एक वाईफाई की मुख्य मांग थी, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है छात्रों को वाईफाई जो है वो नहीं मिल रहा है, और छात्रों का आरोप यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी हमसे फ़ी लेती है उसकी, तो वाईफाई फ्री जो है वो कब तक सर पॉसिबल होगा? अगर क्यों नहीं दी वाईफाई का 8/11 को ऑर्डर निकल चुका है, ये इनके लैपटॉप्स पे IT सेंटर दे रहा है वाईफाई की इनकी फैसिलिटी की, ये वहाँ अपने हेड के थ्रू जा सकते हैं और वो ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जो कि लगातार ये कह रहे थे कि जो छात्र हैं उनकी कुछ मांगें जो हैं वो इनके नोटिस में है, और जल्द ही ये मांगें जो हैं वो पूरी की जाएंगी। हालाँकि वाईफाई फैसिलिटी जो है उसको लेकर साफ तौर से इनका ये कहना है कि वाईफाई सुविधा जो है वो ऑर्डर निकल चुका है, छात्र चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ छात्रों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश
जो है वो हम करेंगे कि आखिर किस बात को लेकर इनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और क्योंकि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी लगातार पीठ जो है वो थपथपा रहा है, और वहीं छात्रों की बात करें तो छात्र जो हैं छात्राएँ अभी भी जो अपना प्रदर्शन है उस पर यहाँ पर अड़े हुए हैं। कुछ छात्राएं जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की। मैम आपका नाम? प्रीति शर्मा। जिस तरह से लगातार आप प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, पहले तो आपसे मुख्य मांगे जो हैं वो आपकी क्या हैं? सबसे पहले सर जो मेन डिमांड है वो है हॉस्टल एकोमोडेशन की लड़कियों के लिए। लड़कियां बहुत ज़्यादा खज्जल होती हैं, सुबह आती हैं और वो शाम को 7 बजे वापस घर पहुंचती हैं। क्या पढ़ना उन्होंने और कैसे आना है, ऐसी लड़कियां डेली आप दौड़ नहीं कर सकती। और दूसरी है कि हमारे लाइब्रेरी में स्मार्ट कार्ड वो अवेलेबल नहीं है, एक ये इशू है। तो ये मेन इशू है जिन पर हम काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इशू हैं बट हॉस्टल एकोमोडेशन जो है ये मेन इशू है, इस पर तो बात होनी ही चाहिए। एक सवाल मेरा रहेगा कि क्या आपने प्रदर्शन करने से पहले जिस तरह से हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, वो तो अपनी पीठ जो है उसको लगातार थपथपा रहे हैं, हॉस्टल को लेकर जो आपकी मांग थी उनका कहना है कि अभी पूरी सुविधाएं जो हैं वो वहां पर उपलब्ध नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्या आपने बातचीत नहीं कि आप सीधा प्रदर्शन करने पर ले आगे? बातचीत हुई है, हमारी बातचीत हुई है, हॉस्टल बन गया हुआ है बस हॉस्टल वर्किंग में नहीं है, बिल्डिंग तैयार है हॉस्टल वर्किंग में नहीं है, और वो 1 साल हो गया उसको बना हुआ, वो 1 ईयर में वो पूरा कंप्लीट हो गया था बट वो अभी तक चला नहीं है। वो क्यों नहीं चला, क्या रीजंस है, कहाँ गए पैसे, क्या करते हैं ये लोग? मैम आपको क्या लगता है कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो उस हॉस्टल को ओपन नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण जो है वो हो सकता है? कारण हमें पता नहीं है, हम उसी कारण को जानने के लिए यहाँ आए कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ओपन नहीं किया जा रहा, क्यों खज्जल किया जा रहा है बच्चों को। देखिए अगर जिस तरह से आज प्रदर्शन यहाँ पर चला, अगर आपकी मांग जो है वो उसको पूरा नहीं किया जाता है तो जो आपकी अगली रणनीति होगी वो क्या होगी? सर अभी तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, अभी हम यहीं बैठे हैं और यहाँ से उठने नहीं वाले, जब तक कोई फैसला हमें सुनाया नहीं जाता हम यहाँ से उठने नहीं वाले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये तो कुछ छात्राएं जो थी वो हमारे साथ बातचीत लगातार कर रही थी। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है जिस तरह से आपने सुना कि वो अपनी पीठ लगातार थपथपा रहा है, और छात्र जो हैं उनका ये आरोप है कि 1 वर्ष हो गया है, गर्ल हॉस्टल की बात करें तो वो लगातार अभी फंक्शन उसने करना शुरू नहीं किया है। फिर एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूँ कि अभी जो छात्रों और छात्राएँ जो हैं वो लगातार यहाँ पर बैठ कर लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और अभी हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनसे बातचीत जो थी वो हुई थी, लेकिन अभी कुछ सुलझा नहीं है, कुछ छात्र नेता हैं हमारे साथ। दीपक जी जिस तरह से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे, हम भी अंदर गए, यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो लोग थे उनसे बातचीत हुई, तो वो तो अपनी पीठ जो है उसको लगातार थपथपा रहे हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें चर्चा में रहती है, काफ़ी चर्चाओं में इसका प्रशासन भी रहता है। आज जिस तरह से अभी प्रदर्शन के बाद जो छात्राएँ हैं वो यहाँ पर बैठ गई हैं, प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, तो अभी क्या बातचीत जो है वो आपकी प्रशासन से हुई है? देखिए रवि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 15 मांगों का एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रशासन को सौंपा था जिसमें कि 1 मांग पूरी की गई है, जो इंटरनेट सर्विसेज स्टोर करने की बात है। नोटिफिकेशन आया, अभी आ गया है नोटिफिकेशन, तो आज वो चल जाएगा। उसी के साथ साथ बाकी जो मांगे हैं उनको लेकर हमारा आंदोलन जारी है, चाहे वो गर्ल्स को हॉस्टल, फुल हॉस्टल, सभी लड़कियों को हॉस्टल मिले ये मांग है, वाईफाई फीस रिफंड हो, ट्यूशन फीस रिफंड हो 2500 रुपया, स्मार्ट कार्ड फीस रिफंड हो, इन सभी मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन आज 7वें दिन में है। ये आंदोलन आगे चलता रहेगा जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा। जिस तरह से आपने ज्ञापन सौंपा, तो अब प्रशासन से जो आपकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन आपको दिया गया है कि ये कब तक पूरा मामला जो है ये सुलझ जाएगा? हॉस्टल को लेकर तो आज प्रशासन मुझे सक्रिय दिखा, जिसमें प्रशासन ने ये कहा है कि वो मांगे, जो गर्ल्स हॉस्टल की मांग है उसको आज ही उसको पुष्टि करेंगे कि हॉस्टल कब खोलने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम नहीं चाहते हैं कि एकदम से रेवोल्यूशन आ जाए, परंतु मांगे, चाहे वो वाईफाई फीस रिफंड करने की बात हो, ट्यूशन फीस रिफंड करने की बात हो, सारी मांगे वो एक हमें रिटर्न दें कि इस दिन तक ये मांग पूरी करेंगे। हम लोगों को भी आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब तक छात्रों की हितों की रक्षा नहीं होगी विद्यार्थी परिषद यूं ही संघर्ष अपना जारी रखेगा। दीपक जी मेरा इससे हटकर एक सवाल रहेगा, आप ये ABBP की आई कार्ड के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, मेरा सवाल ये रहेगा कि एक छात्रा जो कि कठुआ से यहाँ पर आई वो 2 महीने यहाँ पर चक्कर काटती रही अकेली छात्रा जो थी, हालांकि मीडिया ने उसमें हस्तक्षेप जरूर किया, लेकिन तब कोई छात्र नेता जो है वो उस अकेली छात्रा के लिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, वो छात्रा जो थी वो अकेली यहाँ पर 2 महीने चक्कर काटती रही, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्राएं या छात्र होते हैं वहाँ पर ABBP जो है वो निकल कर सामने आता है, लेकिन ऐसे मजबूर छात्र या छात्राएं उन तक ABBP जो है वो क्यों नहीं पहुँच पाता, क्या कारण रहते हैं सर? देखिए रवि जी, आपके कहने की बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि एक एक छात्रा के पीछे जब हम चलते हैं तो हम ये भीड़ में दिखते नहीं हैं,
हम लोगों ने हर एक छात्रा का, चाहे वो अंकिता हो जो अपना कठुआ से आती है, जो अपना ऊपर जसरोटे माता वाले मंदिर से, चाहे कठुआ में नगरी की रहने वाली कोई छात्रा हो जिसके साथ, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो द्वितिमा हो, हम सब कंधे से कंधा मिला। आपने एक सेकंड, आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर कहा कि भीड़ में हम दिखते नहीं है, भीड़ तो सबको दिखती है, अकेला जो है वो आपको नहीं दिखती। मैंने आप बिल्कुल सही बात करें, अकेले में हम नहीं दिखते हैं। हमने पिछले दिनों, चाहे मेरे डिपार्टमेंट की विद्यार्थी छात्राएं हों, चाहे वो फिजिक्स डिपार्टमेंट की कोई छात्रा हो, चाहे वो एजुकेशन की कोई छात्रा हो, हर एक को पता है कि उनकी मांगे पूरी करने के लिए पहुंचा कौन है। चाहे वो विद्यार्थी अकेला कभी संघर्ष कर रहा होगा हॉस्टल को लेकर, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद ने उसमें हस्तक्षेप किया तो सबको हॉस्टल मिला है, ये पहली बार नहीं है। हाँ, विद्यार्थी अपने लेवल पर प्रयास करें, हमारा इस चीज़ को बढ़ावा देना रहता है कि विद्यार्थी जो है वो अपने लेवल पर भी प्रयास करें, केवल और केवल संगठनों के ऊपर निर्भर ना रहे। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट्स के हितों का हनन होगा, विद्यार्थी परिषद वहाँ खड़े रहते हैं। और ये आपकी बात कहना जायज़ है कि उस छात्रा के साथ कोई नहीं खड़ा रहा होगा, लेकिन ये बात आपकी तफ्तीश करना भी जायज़ थी कि उसकी विषयों को लेकर ऊपर तक बात कर कौन रहा था, वो आपने थोड़ा शायद मेरे को लगता है यूनिटी ने कहीं छोड़ी वो चीज़। चलिए दीपक जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मैं आपको लेकर जाना चाहता था आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको वहाँ तक लेकर जाएं, बिल्कुल आप वहाँ पर नहीं पहुँचे। और एक अपील हम यूएनटी की तरफ से ये भी रहेगी कि छात्र जो है वो कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लें। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, यूं ही रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल यूनिवर्सिटी हमें मजबूर नहीं करते कि हम सड़कों पर उतरें। ये थे हमारे साथ दीपक जी जो कि छात्र नेता है और ABVP से भी इनका ताल्लुक है। और सवाल हमारे वही थे कि जो भीड़ है उसमें तो ये लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छात्र या छात्राएं जो मजबूर होते हैं, आखिर उन तक इनकी नज़र क्यों नहीं पहुंचती। फिलहाल अभी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और क्या बातचीत जो है वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन और जो छात्र हैं उनके बीच होती है, और कब तक ये प्रदर्शन जो है वो ख़त्म होता है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को दें इजाज़त, मगर आप देख रहे हैं UNT। नमस्कार।